हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ एचवीएसी सिस्टम इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचवीएसी सिस्टम का क्या रोल होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो मैं एक सीरीज बना रहा हूँ, एक प्ले लिस्ट मैं तैयार किया हूँ, जिसमें मैं स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एचवीएसी सिस्टम कैसा होता है, उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, ये सारी टॉपिक के रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊँगा। मीन्स अलग अलग वीडियो बनाऊंगा हर टॉपिक के अंदर, जिसमें स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एचवीएसी सिस्टम के रिगार्डिंग होगा। ओके, तो आप सारी वीडियो देखें। तो ये हमारा उस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम एचवीएसी सिस्टम का क्या रोल होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीजीएमपी होता क्या है। सीजीएमपी का फुल फॉर्म ये होता है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ओके, ये एक गाइडलाइन है जो हमें इसके अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो बताते हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो फार्मास्यूटिकल का जो बिल्डिंग है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कैसा उसका डिजाइन होना चाहिए, कौन से मटेरियल से प्रोडक्शन एरिया का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसमें मशीन्स का मेटल कौन सा यूज होना करना चाहिए, मैन और मटेरियल का मूवमेंट कैसा होना चाहिए। ओके, एचवीएसी सिस्टम का डिजाइन कैसा होना चाहिए, कितना टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी पैरामीटर्स इसके अंदर मेंशन होता है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो आइए हम देखते हैं हमारा एचवीएसी सिस्टम का रोल क्या होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो इसके फोर मेन रोल होते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट रोल होता है कंट्रोल एयरबोर्न पार्टिकल्स, डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एयर फिल्ट्रेशन यूजिंग हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स, प्री फिल्टर्स एंड फाइन फिल्टर्स। तो इसका फर्स्ट रोल रहता है कि जो हमारे एयर होते हैं उसके अंदर एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको फिल्टर करके रिमूव करना। और उसको फिल्टर करने के लिए थ्री टाइम्स के फिल्टर यूज होते हैं। फर्स्ट होता है प्री फिल्टर, देन होता है फाइन फिल्टर, देन होता है हेपा फिल्टर। ओके, तो ये फिल्टर्स एचयू में फिट किए जाते हैं या फिर डक्ट के अंदर फिट किए जाते हैं। ओके, देन हमारा सेकेंड रोल होता है एचवीएसी सिस्टम का, मेंटेन रूम प्रेशर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हर एरिया का क्लीनिनेस मेंटेन करने के लिए उसका रूम प्रेशर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बराबर रूम प्रेशर मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होता है कि दूसरे एरिया का प्रोडक्ट दूसरे एरिया में, जो अलग अलग एरिया के प्रोडक्ट में मिक्स हो जाएगा और कंटामिनेट हो जाएगा, तो जिससे कि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हर एरिया में का प्रेशर डिफाइन होता है कि इस एरिया में इतना प्रेशर होना चाहिए और उसके एडजेसेंट एरिया में कितना प्रेशर होना चाहिए वो डिफाइन होता है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो प्रेशर मेंटेन करने का जो हमारा काम करता है एचवीएसी सिस्टम करता है। ओके, तो जिस एरिया में ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए वहाँ पर जो एयर का फ्लो है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रिटर्न। ओके, वहाँ पर रिटर्न कम होगा और एयर का सप्लाई ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर उस एरिया में क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा जनरेट होता है। और जिस एरिया में प्रेशर कम रखना है वहाँ पर क्या होता है कि सप्लाई कम करते हैं एयर का और रिटर्न में ज़्यादा खींचते हैं, तो उसमें क्या होगा, उस एरिया में नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। तो इस एरिया से, इस तरह से हम एरिया के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर जनरेट करते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंटामिनेट ना हो सके। देन हमारा थर्ड रोल होता है मेंटेन ह्यूमिडिटी बाय कूलिंग बिलो ड्यू पॉइंट और बाय यूजिंग डेसिकेंट ह्यूमिडिफायर। हमारे प्रोडक्शन एरिया में ह्यूमिडिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनका स्टेबिलिटी ह्यूमिडिटी पर डिपेंड होता है। अगर हम बराबर ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट का क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के लिए, फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट्स की स्टेबिलिटी के लिए एरिया के अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा एचवीएसी सिस्टम करता है। ओके, देन हमारा फोर्थ और लास्ट क्या होता है, रोल क्या होता है, मेंटेन स्पेस टेम्परेचर। कुछ प्रोडक्ट्स का स्टेबिलिटी एरिया के टेम्परेचर पर डिपेंड होता है, जो हाई टेम्परेचर में स्टेबल नहीं हो पाते रह पाते हैं, इसलिए हमारे एरिया का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ये टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा एचवीएसी सिस्टम करता है। ओके, तो ये हमारा फोर पैरामीटर्स है जो हमारा एचवीएसी सिस्टम मेंटेन करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और एचवीएसी सिस्टम के आगे की जानकारी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।